पता नहीं चलता था। आजकल किसी का क्या भरोसा मामा, मुझे तो ऐसे चिढ़ मच रही है, जी करता है कि जाकर मैं उसका खून ही कर दूं। निशा, निशा बोल बेटा, कुछ बोल। बोलेगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। निशा, चाची इनका घर कितना सुंदर है ना। बहुत अच्छा लगा। ये लीजिए चाय। और बॉम्बे कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा इसकी छुट्टियां चल रही हैं, क्यों नहीं कुछ दिन के लिए अपने पास बुला लें, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। कब तक हो वैसे बॉम्बे में? अभी तो हूँ, जी भर कर रह लूँ अपनी चाची के साथ। जब से मैं मिसेस श्रीवास्तव के पड़ोस में आई हूँ जरा भी बोर नहीं होती, वरना पहले तो मेरा मन ही नहीं लगता था। और मेरे हस्बैंड के भी ऐसे वर्किंग आवर्स हैं कि वो हमेशा लेट ही हो जाते हैं। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? अपूर्व। नाइस नेम। क्या बात है मिसेस श्रीवास्तव, आप कुछ परेशान दिख रही हैं, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। चाची कोई बात है? आप बहुत टेंशन में है। आपकी चाय भी यूं ही रखिए चाची, आप सच में ना कोई बात नहीं है ना। अरे आज इतनी जल्दी? हाँ ऑफिस में काम कम था। नमस्कार, ये सुमेधा है, मिसेस श्रीवास्तव की भतीजी। मुझे जो क्या था। कमाल है, आज तो बड़ी जल्दी आ गए, आप चाय तो लीजिए। By God, सिर्फ एक बार मुझे तेरा नाम पता चल जाए ना, फिर देख मैं तेरे घर पर आकर किस तरह बैंड बजाती हूँ तेरी। Faster. क्या हुआ स्नेहा, किसका फोन था? कुछ नहीं मामा, बस रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर? हाँ जी। स्नेहा, निशा दीदी का घर कितना सुंदर है। यहाँ तुझे निशा दीदी के घर की पड़ी है, मेरा मूड ही खराब है आज। राहुल से राहुल से कोई झगड़ा नहीं हुआ। फिर क्या बात है? बस यार ऐसे ही। बताएगी नहीं? कुछ नहीं हुआ सुमेधा। ठीक है मत बता, बैठ यहाँ पर, जा रही हूँ मैं। तैयारी हो रही है। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। नहीं, हमें तो हमेशा ही प्यार आता है, वो अलग बात है, आपको दिखाई नहीं देता। मामा, मामा मैं ऑफिस जा रही हूँ मामा। बाय बाय बाय। जाने कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। हेलो। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? कौन? तुम्हारा चाहने वाला मेरी जान। क्यों यहाँ बार बार फोन करते हो, किससे बात करनी है तुम्हें? और याद रखो अगर आइंदा फोन आया तुम्हारा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। कौन है ये, हमेशा फालतू बातें करता रहता है, बार बार फोन करता है। अगर इस बार इसका फोन आएगा ना तो मैं श्योर इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। बहुत गर्मी है आज, मैं तो बाहर थक गई। मैं तो साइड हो ना, मुझे टीवी ऑन करने दे। यार मुझे बहुत भूख लगी है सुमेधा। तो मैं क्या करूँ, हट ना। ले ले मामा, मामा खाना दे दो मामा, बहुत भूख लगी है। मामा, मामा कहाँ पर हो आप? मामा, मामा, मामा कहाँ गई यार, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी हुई है। अरे यार तू इतना क्यों चिल्ला रही? सुमी बहुत जोर से भूख लगी है। अरे यार तू तो भुक्कड़ है,
चाची कहीं काम से बाहर गई होंगी, तू खुद कुछ नहीं बना सकती है? हाँ तू बना दे मेरी बहन, प्लीज बना दे। हेलो नहीं नहीं प्लीज नहीं, मेरा ना सीरियल स्टार्ट होने वाला है, और एक काम कर तू बना और मेरे लिए भी ले आना प्लीज, मेरे प्यारे का। चल 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 मैं नहीं नहीं क्या बनाऊं यार, मैगी के अलावा तो मुझे बनाना ही नहीं आता। अबे कौन है तू? तेरे लाइफ की प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा चाहने वाला। Shut up and get lost। क्या हुआ स्नेहा? क्यों चिल्ला रही है बेटा? कुछ नहीं मामा, वो मैं देखती हूँ। देखो ना माँ, कई दिनों से ऐसे ही लिफाफे मुझे मिल रहे हैं। हाँ बेटा, ऐसे लिफाफे मुझे भी मिले हैं। देख ये देख, इतने सारे कई दिनों से आ रहे हैं मेरे पास। ये देख, कोई दरवाजे पे छोड़ जाता है और फोन कर करके परेशान करता रहता है। मैंने इसलिए तुम लोगों को नहीं बताया कि तुम लोग खामोखा परेशान हो जाओगी। माँ मैंने भी आपसे ये बात इसलिए छिपा के रखी कि आप ना परेशान हो। पर बेटा ये हो क्यों रहा है ऐसा? पता नहीं माँ, हम तो यहाँ पर कई सालों से रहते हैं पर ऐसे कभी कुछ हुआ नहीं, तो अचानक से ये सब कुछ। हाँ ये तो सोचने वाली बात है बेटा। बेटा एक बात बोलूँ, बुरा नहीं मानना, जब से सुमेधा आई है तब से ऐसे लेटर्स। चाची चाची मैंने तो कभी भी कोई फोन कॉल्स भी नहीं अटेंड करे, और ये लेटर्स भी आज मैंने पहली बार देखे। मैंने इनफैक्ट स्नेहा से पूछा था, स्नेहा कोई बात है तो स्नेहा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। चाची मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, मैं क्या बता दे सुमेधा जबकि मुझे ही नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। अरे सुमेधा तुम आओ। आप बिजी हो आटा गूंदने में? कुछ नहीं, रोटी बनाने जा रही थी, तुम भी किचन में आ जाओ। हेलो, हाँ ब्राउन वाली। एक मिनट सुमेधा, मेरे बेडरूम में ना ब्राउन कलर की डायरी होगी, प्लीज ले आओ। ओके दीदी। कहाँ रखी थी? ओह अच्छा अच्छा। अरे सुमेधा वो ना मेरी ड्रेसिंग टेबल है, उसके नीचे वाले ड्रॉज में है। ओके दीदी। इतना क्या अर्जेंट हो गया? ये देखिए चाची और स्नेहा तू भी देख, मेरे पास भी सेम वही लेटर है जो हमारे घर पर रोज आते हैं। आप मुझसे पूछो ये कहाँ से और कैसे मिले मुझे। अब तो केबीसी खेलना बंद करके बताइए तुझे कहाँ से मिले। ये मुझे अपूर्व के घर से मिले। सुमेधा बिना वजह किसी अच्छे इंसान पे इल्जाम लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। चाची चाची देखिए प्लीज, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि ये लेटर मुझे अपूर्व के घर से मिले, और आज तो मुझे यकीन हो गया। हमारे घर पर जो फोन कॉल्स आते हैं वो भी अपूर्व करता है। आपको मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा होगा ना, तो देखिए देखिए वो लेटर्स बिल्कुल सेम वही हैंडराइटिंग है। और आपको पता है वो ये सब किसके लिए लिखता है? वो ये सब स्नेहा के लिए लिखता है। ये देखिए उसने स्नेहा का कितना बड़ा बड़ा नाम लिख रखा है। अब तो आपको मेरी बातों का यकीन हो रहा होगा ना। पर तुझे ये सब मिले कहाँ से? अभी अभी मैं निशा दीदी से मिलने के लिए उनके घर गई थी। अरे सुमेधा वो ना मेरी ड्रेसिंग टेबल है, उसके नीचे वाले ड्रॉज में है। ओके दीदी। ऐसी हरकत कर सकता है, उसके व्यवहार से तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता। आजकल किसी का क्या भरोसा मामा,
मुझे तो ऐसे चिढ़ मच रही है, जी करता है कि जाकर मैं उसका खून ही कर दूं। जब शाम को मैं आपके घर आई थी, मैंने दरवाजे से सारी बातें सुनी, और जब मैंने ये सब अकूर से पूछा, छोटी सी गलती की वजह से सारा का सारा घर बर्बाद हो गया।